जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में शामिल चार अपराधियों को दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी गाजीपुर क्षेत्र से की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के हेसल निवासी डब्लू कुजूर बेटा राहुल कुजूर, नामकुम थाना क्षेत्र के आजाद मोहल्ला निवासी काविश अदमान पुत्र खुर्शीद आलम और लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काटा टोली निवासी मुनव्वर अफाक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 30 मई को रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के पास अपने ड्राइवर और अंगरक्षक के साथ अपनी कार में बैठे भरत भूषण को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कमल भूषण को 5 गोलियां लगी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया, इस साल फरवरी में भरत भूषण द्वारा राहुल पर नामकुम इलाके में फायरिंग करवाई गई थी, जिसका बदला लेने के लिए कमल भूषण की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भागने के दौरान राहुल कुजूर के पैर में चोटें भी आई थी। आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए हत्या करने के तुरंत बाद कोलकाता चले गए थे और उसके बाद बीते शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। मामले की जानकारी रांची पुलिस को मिली तो दिल्ली पुलिस की ओर सूचना दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस और SIT की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और दिल्ली में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। सभी चार आरोपियों को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।